कभी कभी चलते चलते कंप्रेसर में लीक आने लग जाता है, जैसे वो जो पुराने कंप्रेसर हो जाते हैं उनमें ज़्यादा आता है। तो ऐसे ही हमारे एक कंप्रेसर में लीक आया है, उसका जो ऑयल पंप होता है वो लीक होने लग गया। तो आज हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। पहले सबसे पहले उसके ये नट खोलें ऑयल पंप के, और खोलने के बाद उसके अंदर एक रिंग होता है, तो जो आपको जल्दी जल्दी खोल कर दिखाते हैं। और ऐसे तेल लीक हो तो नीचे आप एक को डिब्बा वगैरह रख लें कि थोड़ा नीचे कचरा वगैरह ना हो। बड़ी आसानी से ये क्लोरिंग ओपन हो जाती है। और इसके अंदर एक रिंग होगा जो अभी आपको खोल कर दिखाएंगे। तो पुराना होने की वजह से वो खराब हो जाता है, तो वो लीक मारने लग जाता है। ये देखिए ये रिंग है पुराना, जो हीट होने की वजह से उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, और वो उधर से वो लीक होने शुरू हो जाता है। तो इसका ये आसान सा तरीका है, नया रिंग लीजिए और उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे उसको खींचिए। क्यों, जो नया रिंग होता है वो ऐसे बैठता नहीं है, और इसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे खींचेंगे अच्छी तरह से, और वो अपने और जैसे वो राउंड में पूरा आ जाएगा, फिर उसको आप बड़ी आसानी से उसको उसके अंदर लगा सकते हैं। देखिए जैसे ये हम लगा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो अंदर बैठ जाएगा। ये अभी हमारा बन के रेडी हो चुका है। थैंक यू, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।